ऐसे लग रहा है जैसे गाइस किसी की फाइल की आवाज़ आ रही हो। खैर छोड़ो, कैसे हो आप सब, आपका भाई सलमान हाजिर वापस न्यू वीडियो के साथ पे, और स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली एस क्विंटल ब्लॉग के अंदर। सो गाइस पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और कैमरे पे अपने अज्जू भाई है। बहुत कमेंट आ रहे थे भाई, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे भाई दुल्हन की वीडियो की लोकेशन की दूसरा पार्ट लेके आओ। इसलिए गाइस वापस पहुंच चुका हूँ उसी लोकेशन पे जहाँ पे उस दुल्हन को हमने 2 से 3 बार बहुत नज़दीक से कैप्चर किया है, बहुत नज़दीक से। आज वापस गाइस अंदर आया हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे उस दुल्हन की आत्मा को हमने लास्ट टाइम देखा था। इस जगह से गाइस वो लास्ट टाइम हमको दिखी थी, बिल्कुल कैप्चर किया था गाइस बहुत पास से। और स्टोरी आपको मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे उसके साथ में हुआ क्या था इस गांव के अंदर। गाइस उस दुल्हन की, उस लड़की की शादी थी। उसके बाद में वो घर वालों से बिना पूछे अपनी फ्रेंड के साथ में कोई शॉपिंग करने के लिए गई थी। और आपको पता है गाइस जब शादी की रस्में चालू हो जाती है, चाहे दूल्हा हो या दुल्हन, जब हल्दी की रस्में चालू हो जाती है तो कोई भी बाहर निकलता नहीं है, दुल्हन और दूल्हा दुनी। तो घर से बिना पूछे बाहर निकल गई थी। उसके बाद में वो अंधेरा हो गया था, उसको रस्ते के अंदर उसके साथ में पता नहीं क्या इंसिडेंट हुआ था इस जंगल के अंदर। उसकी गाइस जैसे उस दिन पायल की आवाज आ रही थी बार बार ऐसा लग रहा है इस तरफ से पायल की आवाज आ रही हो। उसके बाद में गाइस उस लड़की की डेड बॉडी इस जंगल के अंदर मिली। आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है गाइस कि उसके साथ में हुआ क्या था। उसके बाद में इस जंगल पे गाइस उसकी आत्मा को देखने का दावा किया गया था, और हमने भी उसको कई बार कैप्चर किया कैमरे के अंदर। फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद में, और आई बटन पे भी शो हो जाएगा, लास्ट में एंड स्क्रीन पे वीडियो शो हो जाएगी। बाकी आगे चल के देखते हैं गाइस कि आज भी वापस वो हमको दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है। ठीक है गाइस, आ जाओ अज्जू भाई आगे। चांदनी रात हो रही है तो आपको ऐसा नहीं लगे। चांदनी रात है गाइस, आपको ऐसा ना लगे कि भाई 6 बजे वीडियो शूट करने के लिए आ गया, इसलिए गूगल टाइम आज दिखा देता हूँ मैं आपको। 10:59 हो रहे हैं, मतलब 11 बज चुके हैं गाइस रात के। बाकी चल के देखते हैं आगे। वो देखो मुझे नहीं पता वो कैमरे में आई नहीं। भाई एग्जिट इस जगह खड़ी थी वो चीज, बिल्कुल लाल कपड़ों में गाइस, जैसे कि उस दिन उसने हमें भटकाने की कोशिश की थी जंगल के अंदर। मतलब आगे से आगे वो जा रही थी, मतलब हम उसका पीछा कर रहे थे, एक तरीके का छलावा कर रही थी हमारे साथ में। अब आगे ले जाने के बाद में हमारे साथ में पता नहीं गाइस वो क्या करने वाली थी, लेकिन हम वहां से निकल गए थे वापस। अजीब सी आवाज आ रही है भाई, कुछ चमकती हुई दिख रही है जैसे कोई बेटी हो उनकी कपड़ों के अंदर। वैसे क्लियर देखो वहां पे, मैं आगे नहीं आऊंगा क्योंकि वैसे मेरे आगे आने के बाद में कैमरे का फोकस हट जाता है। आओ भाई इधर आओ।
कौन है यहाँ पे? गाइस उस दिन लास्ट टाइम इस जगह देखा था उस चीज को हमने, भाई यहाँ बैठी थी वो चीज। ओ भाई 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 वो देखो उधर, हाँ सामने देखो सामने खा गई भाई, वो गई बाहर, वो गई बस, वो गई सामने से भाई। तो इधर इधर क्या हुआ? गाइस वापस उस दिन के जैसे हो रहा है हमारे साथ में, वापस दिख के वापस गायब हो जाती है गाइस। वापस गायब हो गए गाइस, इस जगह वो खड़ी थी चीज। जितना अंदर जाएंगे इस जंगल के अंदर, मतलब उतना ही भटकना होगा हमारा, हो सकता है क्या हम रास्ता भूल गए। भाई 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 किस तरफ से किसी की पैर की आवाज आ रही है तरफ से? कौन है यहाँ पे? वो देखो देखो सामने भाई के लिए जा रही है बस, हमें देखो कौन है भाई। भाई क्लियर आ रहा है कैमरे में? अजय भाई अच्छे से कैप्चर करना भाई, कौन है? कौन है? रुको कौन है? कौन है तुम? हेलो कौन हो? वैसे इधर पलट के देखा उसने, इस किलर कैमरे में कैप्चर है वही वो चीज, इधर सामने रही है इसके अंदर, इधर आओ पूरी। कौन आप? कौन आप? रुको भाई कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा उसका, आज इतनी आवाजें लगा रहा हूँ लेकिन पीछे पलट के भी लेके देख रही हूँ चीज। भाई जो भाई आराम से डरो मत, मैं आपके साथ हूँ भाई, लेकिन कोई रेस्पॉन्स, जानवर की आवाज़ थी
इतनी आवाजें लगाने के बावजूद गाइस कोई भी उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही वो चीज। अभी चल के देखते हैं वापस। ओ भैया भाई एक सेकंड में आंखों से उजल हो गई वो चीज। बस लास्ट टाइम इस जगह देखा मैंने इसको, गाइस पहले भी ऐसे हुआ था, पहले तो गाइस क्लियर जैसे अभी कैप्चर हुई वो चीज उसी तरीके से कैप्चर हुई थी। चलो भाई चलो चले भाई, मैं भी सोच रहा हूँ कि निकल ले क्योंकि वो चीज हमें आगे से आगे जंगल के अंदर ले जाना चाहती है भाई। एक मिनट भाई, इधर से पायल की आवाज आई वापस, काटो को ध्यान रखना भाई। भाई एक चीज और नोटिस किया आपने भाई, भाई 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 इधर से गायब हो गए वापस, इधर से गायब हो गए वापस, इधर आ गए। अच्छा भाई दिखाई दो चीज नजर रखना चुके यार। कौन आप? कोनो भाई सुन को रचो भाई, चलो भाई 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 चलो भाई।